तो मैंने यहाँ पे लिया हाफ के जी बेसन, अराउंड 3 कप्स बेसन होगा ये, और 2 कप्स शुगर पाउडर। फिर यहाँ मैंने इस तरीके से बादाम काट लिए, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और 2 कटोरी या 1.5 कटोरी हमें घी लगेगा। फिर हम एक पैन में थोड़ा सा घी डाल के अपने जो बादाम है या जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए अब हमारे बादाम जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनका कलर भी अच्छा चेंज हो चुका है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में मैं और घी ऐड करूँगी अराउंड 1/2 कटोरी के लगभग। मैं इसमें धीमे धीमे ऐड करूँगी घी ताकि हमारे लड्डू में ज़्यादा घी ना हो सके और हमारे लड्डू परफेक्ट बने। एंड वी हैव टू स्टर इट कंटिन्यूसली, हमको इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि जो ये जले ना, और मीडियम फ्लेम में रहे, मीडियम टू लो फ्लेम में ही हमें करना है क्योंकि जो बेसन है वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसे हमें अच्छे से भूनना है, इसलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से स्टर करते रहेंगे, अच्छे से भूनेंगे। अगर हमने इसको हाई फ्लेम पे किया तो ये जलने लगेगा और इससे कड़वा स्वाद आ जाएगा, और अगर ये अच्छे से भी ना भुना हो तो ये कच्चापन रहता है लड्डुओं में। अब आप देख रहोगे मेरे जो बेसन है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और यहाँ मैं और घी ऐड करूँगी अपना जो 1/2 कटोरी बचा था उसको, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इन टोटल यहाँ पे मैंने 1.5 कप मतलब 1-1.5 कप घी यूज़ किया है। इसको स्टर करते करते 15-20 मिनट हो चुके हैं और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बेसन की, और आप देख भी रहे होगे इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये किस तरीके से चेंज हो गया, इसका लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में हो चुका है ये, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बेसन से हमारे। इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा हाथ में पानी लेके इसमें स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा छिड़क देंगे, इससे जो है ना वो हमारे जो लड्डू हैं वो दानेदार बनते हैं। तो मैंने किया था ये, रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसमें, पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो इस टाइम पे थोड़ा हाथ में लेके पानी आप इसमें स्प्रिंकल कर दें, थोड़ा छिड़क दें, तो इससे जो हमारे लड्डू हैं वो दानेदार बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। ये देखिए अब मुझे 25 से 30 मिनट हो चुके हैं इसे अच्छे से भूनते हुए, तो ये साइन है कि हमारा जो बेसन है वो अच्छे से पक चुका है। अभी हम इसे 4-5 मिनट और अच्छे से भूनेंगे। और इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि ये जल ना जाए। और अब देखो हमारा जो ये बेसन है वो एकदम परफेक्ट भुन चुका है। अब मैं इस पॉइंट पे गैस को ऑफ कर दूंगी
और इसे कंटिन्यूसली तब भी स्टर करती रहूँगी क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है वो गर्म है, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दिया तो वो नीचे से जलने लगेगा, इसलिए थोड़ी देर मैं इसको गैस बंद करने के बाद भी इसको स्टर करती रहूँगी ताकि ये चिपके ना। और देखिए हमारा कितना अच्छे से जो बेसन है वो भुन चुका है। और हमें अपने बेसन को पूरे तरीके से अच्छे से ठंडा करना है, जब अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हमको अपना शुगर पाउडर ऐड करना है। अगर हमने इसको गर्म में ऐड कर दिया तो शुगर जो है वो हमारी मेल्ट हो जाएगी और ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा हमारा जो मिक्सचर है, इसलिए जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम जो हमारा शुगर पाउडर है वो उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करके जो बेसन है और जो शुगर पाउडर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से ताकि दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर इसी में अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करके तो ये मिक्सचर रेडी है हमारा। अब इस तरीके से हम इनके राउंड लड्डू बनाएंगे। इस तरीके से आप इसको राउंड शेप दे सकते हैं। तो ये लड्डू हमारे बनके रेडी हैं। तो ये बन के रेडी है हमारे बेसन के लड्डू। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई।